जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज मैं बात करूंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, और एक क्वेश्चन जो मुझे रिपीटेडली आ रहा है वो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था या नहीं। तो चलिए यही जानने का कोशिश करते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था या फिर किसी और का पोस्टमार्टम हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारी ये न्यूज़ आ रही है और लगातार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। तो लेट्स सी इफ द पोस्टमार्टम वॉज डन ऑन सुशांत सिंह राजपूत और नॉट। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रेड कलर का बॉक्स आएगा उस पर क्लिक करें और उसके नेक्स्ट आएगी एक बेल का ऑप्शन, बेल के नेक्स्ट ऑल पे जरूर क्लिक करना, तभी आपको मेरी वीडियोस मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या पोस्टमार्टम SSR की बॉडी का ही हुआ था या फिर किसी और का पोस्टमार्टम हुआ था। वाज सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम डन और नॉट, क्या पोस्टमार्टम सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी का हुआ था। कंप्लीटेड वर्ल्ड, ओके सो वी हैव, हमारे पास है कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड और देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सन, अबैंडन्ड, समबडी वाज अबैंडन्ड। ओवर एनर्जी लॉस ऑफ मस्टर्स, प्लीज कंफर्म इफ सुशांत सिंह राजपूत पोस्टमार्टम वाज डन और नॉट, वाज इट डन ऑन एनी अदर बॉडी, प्लीज कंफर्म। वन मोर सिग्निफिकेंट कार्ड, इन कंटिन्यूएशन किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं हमें, क्या सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। ओके, तो अगर हम इस इन कार्ड्स को देखें तो जो हमें यहाँ पे कार्ड है, इस कार्ड का मतलब होता है अबेंडन कर देना या लेफ्ट इन कोल्ड। और ये बात आप सबको पता होगी कि जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसे कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया जाता है जिससे कि वो डीके ना हो। तो जो इसका एक लिटरल मीनिंग है इस कार्ड का, वो है लेफ्ट इन कोल्ड, अबेंडेंड। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ये पर्सन है और इसके साथ एक बर्ड भी है, और सुशांत के घर से कम दो डेड बॉडीज निकली थी ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये तो अबेंडन हो गए, ये पर्सन तो अबेंडन हो गया, ये सुशांत की जो बॉडी है उसकी और साथ में एक और जो दूसरा पर्सन था, ये तो अबेंडन कर दिया गया, मतलब लेफ्ट इन कोल्ड। इसका अगर लिटरल मीनिंग हम देखें तो लेफ्ट इन कोल्ड होता है। तो अगर हम उस वर्ड को लेकर जाएं तो इसको, इनको तो अलग कर दिया गया, मतलब इनको किसी ऐसी जगह पे रख दिया गया जहां टेम्परेचर ठंडा है जिससे कि इनकी बॉडी डीके ना हो। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। यहाँ नेक्स्ट कार्ड में आप देखिए, हम सिर्फ लिटरल इनकी जो इमेजेस है उस पे जाएंगे और इनका जो मीनिंग है वो भी आपको साथ साथ में बताते रहूंगी। वैसे तो ये लवर्स कार्ड होता है, बहुत सारे इसके मीनिंग्स होते हैं, लेकिन हम सुशांत के केस में इसको जो पिक्चर जो है, डायग्राम जो है, उससे हम समझेंगे। तो यहाँ पे जब सुशांत अबेंडन हो गया, साथ में उनके जो एक और पर्सन था वो अबेंडन हो गया, तो फिर यहाँ पे किसको मारा गया, तीर से, जैसे किसी और को यहाँ तीर से मारा गया है। और किसकी प्रेजेंस में, फादर एंड सन की प्रेजेंस में, इनकी नॉलेज में किसी को यहाँ पे मारा गया है। आप देखिए यहाँ पे ये तीर चला रहे हैं, किसी को मारा गया है, एक बॉडी, आप इसको एक बॉडी समझिए, एक बॉडी तैयार की गई है, मारा गया है। इसके बाद अगर आप लगातार देखें तो एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो पलट कर इनकी तरफ देख रहा हो। सारे कार्ड्स में सबका जो डायरेक्शन है वो आगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सबका फॉरवर्ड है, लेकिन सिर्फ यही एक कार्ड है जो पीछे की तरफ देख रहा है, जो अबेंडन हो गया है। तो इसका, इस पूरी कहानी में कोई रोल यहाँ पे दिख नहीं रहा है इस कार्ड का, यानी कि जो लोग मरे, जो सुशांत और जो साथ में और भी एक पर्सन मरा है, उसका उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो लेफ्ट एंड कोल्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके अगले कार्ड में हम देखें तो ये पर्सन एक तीर चला रहा है एक बॉडी के ऊपर, यानी कि किसी को मारा गया, आफ्टर, तुरंत सुशांत के मारने के बाद किसी और को भी मारा गया है।
और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जैसे कि ऑपरेशन थिएटर होता है, डॉक्टर है, और ये एक आप औजार समझ लीजिए, सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो समझ लीजिए, और ये जो व्हाइट कलर की आपको शीप्स दिख रही हैं ये सब जो स्टाफ वहाँ पे होता है, मेडिकल स्टाफ होता है, वो समझ लीजिए। तो जैसे कि ये सब के सब गए और नेक्स्ट किसी पर्सन का, और यहाँ पे देखिए एक बात और कॉमन है कि सुशांत के जब बॉडी को लेके जाया जा रहा था उस समय वहां पे जो उनका सर्वेंट था दीपेश सावंत, उसका बहुत मेन रोल है, क्योंकि वो यहाँ पे भी लगातार दिख रहा है एक मैसेंजर की तरह। वो यहाँ पे ये आप देखिए बास्केट लेकर जा रहा है, एक पॉली बैग ब्लैक कलर का वो लेके भागता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ सबूत है, और यहाँ पे जो सर्जरी की जो ये पोस्टमार्टम किया गया है, आप यहाँ देखिए इधर भी सॉर्ड है, तो ये सॉर्ड से जो पोस्टमार्टम किया गया है ये किसी और का यहाँ पे किया गया है। और बाद में इन्होंने जो सुशांत की बॉडी थी उसको, जो हैंग्ड मैन यानी कि जो सुशांत की जो बॉडी थी उसको फिर वहां पे रख दिया है। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो हुई हैं, आप यहाँ से देखें तो किसी को मारा गया, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन किया गया, फिर कुछ एविडेंसेस थे जो दीपेश सावंत की मदद से वहां से हटा दिए गए, और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ पे दोबारा लिटा दिया गया हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जब उन्हें लिटाया गया तो यहाँ पे उनका पोस्टमार्टम मुझे नहीं लग रहा है कि हुआ है, यहाँ इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि फादर और सन जो है ये जो भी लोग हैं इनकी प्रेजेंस में ये सब चीजें हुई हैं, इनके नॉलेज में ये चीजें हुई हैं और इनके कहने पे ये चीजें हुई हैं। फिर लास्ट में यहाँ सुशांत की बॉडी को लेटा दिया गया है उनको, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में दीज पीपल वेर हैप्पी कि दे हैव अचीव्ड समथिंग। यहाँ पे एक पर्सन है जिसने रेड कैप पहनी हुई है, ये मुझे कई बार मैं इस कार्ड को देखती हूँ तो दीपेश सावंत ही लगता है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि उसको उससे इंटरोगेशन करनी चाहिए, बहुत ही क्रूशियल है वो इस केस में। और यहाँ के बाद अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखें तो कंप्लीटेड वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब ये एक साइकिल थी जो पूरी एक प्लान तरीके से की गई थी। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ देखिए सबसे मेन आंसर तो हमें यहाँ पर ही मिल गया है, जब हमें ये दो कार्ड्स आए हैं एक दूसरे के अलग डायरेक्शन में देखते हुए, ये पर्सन जा रहा है, इसका मतलब है समबडी लेफ्ट इन कोल्ड। तो इसका लिटरल मीनिंग भी अगर हम देखें तो ये जो सुशांत की बॉडी थी उसको कुछ समय के लिए अलग रख दिया गया था और किसी और को यहाँ पे अरेंज किया गया था। तो ऐसा यहाँ पे क्लियर लग रहा है कि किसी और का पोस्टमार्टम यहाँ पे हुआ है, SSR का नहीं हुआ है, और बहुत सारे इसके और भी चीजें हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। बाकी इसमें यही लग रहा है कि यहाँ पे ही वॉज लेफ्ट इन कोल्ड एंड देयर वॉज समबडी एल्स ऑल्सो ही वॉज लेफ्ट इन कोल्ड, लेकिन यहाँ पे किसी और बॉडी का इंतजाम किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन थिएटर समझें और यहाँ पे उनका किसी और का यहाँ पे अगर होता है जो पोस्टमार्टम हुआ है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो ये दीपेश सावंत है इसका मेन रोल है, जो एविडेंसेस थे पोस्टमार्टम के ये भी हटाए गए हैं, और जो जो मर्डर वेपन यूज हुआ है जैसे भी सुशांत को मारा गया है उनको भी छुपाया गया है। इसके बाद आप देखें तो यहाँ पे SSR है, ये यहाँ पे सुशांत है, लास्ट में इनकी बॉडी को लेटा दिया गया है कि ये पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन इनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, इट वॉज अ लाई। तो यहाँ पे बस इनको जो है लेटा दिया गया है, और इसके बाद ये जो पर्सन है यहाँ पे दीपेश सावंत मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है, और जिस तरीके से रेड कैप इस पर्सन ने पहनी हुई है, इस क्रीचर ने पहनी हुई है, कुछ ऐसी ही कैप वो भी पहनता है, और यहाँ पे भी जो जिसने मर्डर किया है या जो आसपास जो लोग थे, इसने ग्रीन कलर का एक सर पे साफा सा कुछ पहना हुआ है, और ऐसा ही ग्रीन कपड़ा सुशांत की बॉडी के पास मिला था। तो यहाँ पे जो लोग भी इन्वॉल्व थे उन लोगों ने इस पूरे काम को अंजाम दिया है और उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये पूरी एक साइकिल है जो करी गई है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसी कोई जमीन हो सकती है जिस जमीन में एविडेंसेस को दबाया गया है। इसका मतलब मुझे ये भी लगता है, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये जो शेर बैठा है एक सूखी जमीन पे बैठा हुआ है, मिट्टी की जमीन पे बैठा हुआ है, और यहाँ सूरज भी है और यहाँ फादर सन भी दिख रहे हैं, और ये कोई फार्म है, कोई फार्म हाउस हो सकता है, कोई जमीन है जहां ये बैठा हुआ है पर्सन। तो मुझे लगता है कि यहीं पे कोई एविडेंसेस हैं जो अगर डिग किया जाए तो मिल सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली रिलेटेड टू सुशांत पोस्टमार्टम हुआ है या नहीं हुआ उसके कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो यहाँ पे मिल सकते हैं, या किसी जमीन में कहीं पे दबा दिए गए हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है लगातार ये दो कार्ड जो आए हैं। तो बस यही मुझे देखना था, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक यही लग रहा है कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, ही वॉज अबेंडेंट, ही वॉज लेफ्ट इन कोल्ड, वो और उसके साथ कोई और बॉडी भी अगर थी तो उनको भी पता नहीं क्यों यहाँ पे, लेकिन तीन लोग लग रहे हैं, सुशांत और उसके साथ एक ये बर्ड आप देखिए और एक ये हॉर्स है, तो तीन लोग हो सकते हैं यहाँ पे। पर खैर चलिए ये तो आगे चल के पता चलेगा कितनी बॉडीज थी, दो बॉडीज तो कन्फर्म है लेकिन यहाँ तीन बॉडीज होने के भी चांसेस लग रहे हैं।
तो और यहाँ पे अरेंज की गई उसके तुरंत बाद, 5 के बाद नंबर 6 है, तुरंत बाद किसी और पर्सन को यहाँ पे मारा गया है, ये देखिए आप, टू अरेंज द बॉडी। और उसका नेक्स्ट कार्ड में आप देखिए, ये जो शेर है इसके हाथ में सॉर्ड है, और ये हॉस्पिटल स्टाफ है जो ऑपरेशन थिएटर में जो पोस्टमार्टम में सब होते हैं। और यहाँ पे क्लियर नेक्स्ट टू दिस कार्ड, आप देखिए ये इसको मार रहा है, नेक्स्ट टू दिस कार्ड ये कार्ड आ जाता है जिसमें एक सॉर्ड है, एक मेडिकल इक्विपमेंट जैसा कुछ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी और को मार करके उसका पोस्टमार्टम हुआ है। और जो भी एविडेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस जमीन में है, जो भी ये जमीन है, जहां भी ये जमीन है, किसी को कोई है जो लोग उनकी ही है ये जमीन, और इसमें ही एविडेंसेस को दबा के रखा हुआ है। और वो एविडेंसेस लेकर गया है ये पर्सन, ये सर्वेंट जो था दीपेश सावंत, उसके बहुत ब्राइट चांसेस है कि वो हो ये, और वो ये एविडेंसेस को ले जा करके उसने किसी ऐसी जगह पे दबा दिया है। जैसे आप ये देख रहे हैं दोनों ही लैंड एकदम सेम है, और यहीं पर ये, और ये भी रेड कलर कुछ ना कुछ रिलेटेड टू मर्डर ही है, यहाँ पे भी रेड कैप है। तो ये जमीन जो है, इस जमीन में ही कहीं इस पर्सन ने इस बास्केट में जो भी एविडेंसेस थे वो ले जाके दबा दिए हैं। तो जो भी एविडेंसेस खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो उसका सीक्रेट कुछ ना कुछ है। ओके सो बस यही मुझे देखना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर। जय श्री राम, जय भारत। और हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9899 3666। जय श्री राम, जय भारत।